हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं गोल्डन एयर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 4 और 5 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारे इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। साथ ही जो अपना एंड्रॉयड एप्लीकेशन है इसका भी डाउनलोड लिंक दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो इसे भी आप इंस्टॉल कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि सरकार द्वारा शुरू स्वाधार गृह योजना का संबंध किससे है। तो देखिए, सही आंसर होगा आपका इसका जो संबंध है वो महिला सुरक्षा है। महिला सुरक्षा के लिए ही ये स्वाधार गृह योजना शुरू की गई थी सरकार द्वारा। अब बात करते हैं देखिए आज की करंट अफेयर की। तो पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही किस वायरस के कारण नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क उड़ीसा में 5 हाथियों की मौत हो गई है। तो सही आंसर होगा एलिफेंट एंडोलिथी और ट्रोपिक हार्पिस वायरस जो है, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है EEHV। देखिए, इसी वायरस की वजह से जो है यहाँ उड़ीसा का जो नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क है इसके अंदर 5 हाथियों की मौत हो गई है। तो इतना आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस वायरस की वजह से, EEHV की वजह से, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दें कि देखिए ये जो वायरस है एक तरीके से इसका जो मतलब कि वर्क होता है, ये आंतरिक जो रक्तस्राव होता है उसको मतलब कि ये बढ़ाता है और रक्तस्राव होने की वजह से इनकी जो है मौत होती है, ठीक है। चलिए देखिए, वैसे एक और चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इस वायरस का अभी कोई ऑफिशियल यहाँ पे जो मेडिसिन वगैरह जो है नहीं बनी है, ठीक है, अभी तक, इतना भी आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी यहाँ पे उड़ीसा की बात की है तो CM है वर्तमान में यहाँ के नवीन पटनायक, और जो गवर्नर है वो है गणेशी लाल, ठीक है। अगला अपडेट देखिए, सरकार द्वारा शुरू प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान का लक्ष्य किस वर्ष तक एकल प्लास्टिक उपयोग को समाप्त करना है। तो सही आंसर का 2022 तक। देखिए, अभी 2 अक्टूबर को जो है गांधी जयंती के उपलक्ष्य में ये अभियान शुरू किया गया है, प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान, और इसका मकसद 2022 तक जितना भी जो एकल प्लास्टिक उपयोग है उसको ख़त्म करने के मकसद से ही यह शुरू किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखिए, 5 से 18 अक्टूबर के बीच भारत किस देश के साथ नोमेडिक एलिफेंट संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन कर रहा है। तो आंसर होगा आपका ये मंगोलिया के साथ हो रहा है। देखिए ध्यान रखिएगा, नोमेडिक एलिफेंट जो सैन्य अभ्यास है किस देश का है, भारत मंगोलिया का है, ठीक है। चलिए ये देखिए, ये इस अभ्यास का 14वां संस्करण है, इतना आप ध्यान रख लीजिएगा। और बाकी आपको बता दें कि इसका जो इस बार आयोजन हो रहा है वो हो रहा है हिमाचल प्रदेश का जो बालकोट है वहीं पे इस बार इसका जो है आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। जगह आप ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है हिमाचल प्रदेश का जो बालकोट है वहाँ इस पर इसको जो है आयोजित किया जा रहा है। बाकी यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपको बता देते हैं, जो इसकी शुरुआत की गई थी, इसका जो पहला एडिशन था 2004 में शुरू हुआ था, और ये मतलब कि एक बार मंगोलिया में आयोजित होता है, एक बार भारत में आयोजित होता है, इस तरीके से इसका आयोजन करवाया जाता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे इसका उद्देश्य यही है कि जो आतंकवाद है उस पर साथ मिलकर जो है उसको ख़त्म करने के मकसद से ही इसको शुरू किया गया था। बाकी देखिए यहाँ पे मंगोलिया की बात कर रहे हैं, तो मंगोलिया की जो कैपिटल है वो है उलानबातर। उलानबातर यहाँ की कैपिटल है, और जो करेंसी वो है टोंग यहाँ की करेंसी है, ठीक है, इतना आप ध्यान रख लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट को अपडेट है अपना, हाल ही किस ऑनलाइन लेनदेन प्रणाली की सेवाएं 24/7 समय के लिए शुरू कर दी गई है। आंसर होगा NEFT। देखिए ये जो ऑनलाइन लेनदेन प्रणाली है NEFT, इसको अब जो है 24/7 आवर्स के लिए शुरू कर दिया गया है। पहले क्या होता था अब तक कि इसको केवल बैंकिंग समय के दौरान ही जो है इसको यूज कर सकते थे, ठीक है, लेकिन अब इसको 24/7 कर दिया गया है। चलिए यहाँ पे देखिए NEFT होता क्या है, इसका पहले तो आपको ध्यान रखना है फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। यानी कि देखिए जो हम मतलब कि कोई भी पैसा वैसे के लेन देन वगैरह के मामले में जो है इसका यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए फिर देखिए अगला क्वेश्चन है अपना, हाल ही नई दिल्ली लोहिया खान नई दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो सही आंसर होगा सरबत दा बला एक्सप्रेस। सरबत दा बला एक्सप्रेस इस ट्रेन का नया नाम रखा गया है,
और हाल ही इसको जो है जो हमारे पीयूष गोयल रेल मंत्री हैं वर्तमान में और जो खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं हरसिमरत कौर, उन्हीं के द्वारा जो एक 550वां गुरुपर्व मनाया गया है इसी के उपलक्ष्य में जो है इसका नाम परिवर्तित करके इसको हरी झंडी दिखाई गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अपना। भारत फ्रांस संबंधों में सुधार के मकसद से किस भारतीय जहाज को फ्रांस दौरे पर भेजा गया है? तो सही आंसर का INS तरकस। ये जो भारतीय जो युद्धपोत है इसको हाल ही फ्रांस के दौरे पर भेजा गया है, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच में आपसी संबंधों को सुधारने ही इसका मेन मकसद है। ठीक है, चलिए अगला अपडेट देख लेते हैं अपना। हाल ही किस देश ने अपनी मिनटमैन 3 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो देखिए ये जो मिसाइल है ये है अमेरिका की। मिनटमैन 3 जो मिसाइल है ये अमेरिका की है, जिसका हाल ही सफल परीक्षण किया गया है। ठीक है, चलिए देखिए इसकी मारक क्षमता आप ध्यान रख सकते हैं, 6750 किलोमीटर जो है इसकी मारक क्षमता है इस मिसाइल की। ठीक है, इतना आप ध्यान रख लीजिएगा। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में। फिर देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 5.40% से घटाकर कितना कर दिया है, जो कि वर्ष 2010 के बाद निम्नतम स्तर पर है? तो सही अंश होगा आपका 5.15%। यहाँ पे वर्तमान में जो है रेपो रेट हो चुकी है, जो कि पहले अब तक कितनी थी 5.40 बेसिस जो है ये अब तक थी, जिसको घटाकर अब कितना कर दिया है यानी कि 5.15, यानी कि अभी इसमें कितनी प्रतिशत कटौती हुई है, 25 बेसिस की जो है इसमें कटौती की गई है। साथ ही यहाँ पे देखिए आपको ध्यान रखना है जो RBI उसने जो भारत की GDP रेट है उसको भी 6.9 से घटाकर कितना कर दिया है, 6.1% कर दिया है, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए थोड़ा सा रेपो रेट के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे देखिए रेपो रेट क्या होती है, रेपो रेट का सिंपल भाषा में आपको बता दें कि देखिए रेपो रेट होती है जो मतलब कि जिस रेट पर जो रिजर्व बैंक है RBI, ठीक है, वो अन्य बैंकों को लोन देता है उसी को जो है रेपो रेट कहते हैं। यानी कि अगर कोई भी जो बैंक है वो रिजर्व बैंक से लोन लेता है तो वो रेपो रेट होती है। ठीक है, और अगर यहाँ पे आपको बता दें इसका अगर अपोजिट होता है, यानी कि जो RBI है ठीक है वो अगर जो है अन्य बैंकों से लोन लेता है तो उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ये आप डिफरेंस ध्यान रखिएगा, काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। चलिए हाल ही छत्तीसगढ़ सरकार ने निम्न में से कौन सी नई योजना शुरू की है? तो देखिए यहाँ पे जो मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना और जो यूनिवर्सल PDS स्कीम है और जो यहाँ पे मुख्यमंत्री सुपोषण योजना है, ये तीनों रिसेंटली यहाँ पे लॉन्च की गई है जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है इसके द्वारा। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसका उद्देश्य आपको पता चल ही रहेगा, ये स्वास्थ्य से संबंधित योजना है। बाकी जो यूनिवर्सल PDS योजना है ये जो है जो वहाँ के लोग हैं यहाँ के निवासी हैं छत्तीसगढ़ के, उनको कम दरों पर जो राशन है वो उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से इसको लॉन्च किया है। और ये कि सुपोषण है, ठीक है, कुपोषण को कम करने के मकसद से इसको लॉन्च किया है। तो ये तीनों यहाँ पे ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे देखिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा यहाँ पे छत्तीसगढ़ की भी बात कर लेते हैं। भूपेश बघेल वर्तमान में यहाँ के कौन है, मुख्यमंत्री हैं, और जो अनुसुईया UKE है वो यहाँ की गवर्नर है वर्तमान में। अनुसुईया UKE यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, चलिए अगला अपडेट है अपना। किस देश ने OPEC की सदस्यता त्यागने की घोषणा की है? तो सही आंसर का आपका देखिए इक्वाडोर। इक्वाडोर जो है इसने घोषणा की है जो OPEC जो संगठन है इसकी सदस्यता त्यागने की। देखिए OPEC क्या है, OPEC एक अंतर सरकारी संगठन है जिसके अंदर 15 तेल निर्यातक देश शामिल है। अब तक इसमें 15 तेल निर्यातक देश शामिल है, इसमें से इक्वाडोर जो है इससे एग्जिट होने की घोषणा की है। जनवरी से ये जो है लागू हो जाएगा, जनवरी 2020 से, तब इसमें कितने हो जाएंगे, 14 देश हो जाएंगे। अच्छा अपडेट है, ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे और देखिए मैंने बताया आपको कि इसमें तेल निर्यातक देशों का एक संगठन है, यानी कि टॉप 15 तेल निर्यातक देशों का एक संगठन है, जो कि 15 देश जो है विश्व का जो कुल तेल उत्पादन होता है उसका 43% हिस्सा जो तेल उत्पादन का है वो इन्हीं के द्वारा उत्पादित किया जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे OPEC की स्थापना 1960 में की गई थी और जो इसका हेडक्वार्टर है वो वियना में है,
वियना में इसका हेडक्वार्टर है, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो कि ऑस्ट्रिया का शहर है। चलिए अगला अपडेट है अपना, हाल ही महात्मा गांधी की जयंती पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया है, तो सही अंशु का 150। अभी रिसेंटली 150वीं वर्षगांठ जो है यहाँ पे मनाई गई थी और उसी के उपलक्ष में ये 150 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया है। रिसेंटली आपको मैंने बताया था एक वीडियो में, जो गुरु गोविंद जी जयंती मनाई गई थी उस पर भी जो है सरकार ने 350 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया था, तो ये अपडेट्स आप ध्यान रख लीजिएगा। फिर देखिए अगला अपडेट है अपना, निम्न में से किसे सबसे प्रभावशाली स्वच्छता एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, सॉरी स्वच्छता एम्बेसडर अवार्ड दिया गया है, तो ये दिया गया है सचिन तेंदुलकर को, इतना सा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर अगला अपडेट अपना, किसे इंडियन ऑयल लिमिटेड IOL का नया MD व CEO नियुक्त किया गया है, तो आंसर होगा सुशील चंद्र मिश्रा को, जो है IOL का नया मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है, ठीक है। इन्होंने जो स्थान लिया है वो लिया है उत्पल बोरा का, उत्पल बोरा का स्थान इन्होंने लिया है, ठीक है। चलिए अगला अपडेट देख लेते हैं अपना, अमृत लुगुन को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है, तो आंसर होगा देखिए ग्रीस जो कंट्री है इसी में अमृत लुगुन को भारत का नेक्स्ट एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। देखिए यहाँ पे इन्होंने स्थान लिया है समा जैन का, समा जैन जो है इन्हीं का स्थान इन्होंने ले लिया है, ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर देखिए ग्रीस की बात हम कर रहे हैं, तो ग्रीस जो है इसकी कैपिटल क्या है, एंथेस, एंथेस इसकी कैपिटल है और जो करेंसी है वो है यूरो इसकी करेंसी है, ठीक है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए देखिए अब नेक्स्ट, अब जो आज की क्विज है इसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है आज का कि किस टेलीकॉम कंपनी ने देश की पहली गीगा फाइबर सेवा शुरू की है, देखिए देश की पहली गीगा फाइबर सेवा शुरू करने वाली जो कंपनी है उसका नाम आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखना है, तो जो भी सही आंसर है आपका नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। सो गाइस ये थी आज की करंट अफेयर, आई होप आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।